हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर इमली हो चुकी है किडनैप। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहां पर आर्यन साफ कह देता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इमली ये डिजर्व करती है ट्रॉफी और उसी को मिलेगी। इसके बाद में वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ भी उसका साथ देते नजर आती है और कहती है कि हाँ, आज तो इमली ने हम सब कुछ सब बिना किसी की परवाह किए हमारी मदद की है, वरना हमारा मेकअप की वजह से हमारा तो बुरा हाल हो जाता। जिसके बाद यहाँ पर इमली को आर्यन ट्रॉफी देता है, लेकिन इमली घबराई होती है और आर्यन पूछता है हुआ क्या है, तो वो बताती है कि तुम्हारी जान के पीछे कोई पड़े हैं। और देखने को मिलता है कि इतनी ही देर में टिक टिक की आवाज़ आती है, वो भी बॉम्ब से, और वो ट्रॉफी के नीचे लगा होता है। और आर्यन यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि यहाँ पर बॉम्ब है और सभी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन इमली वो ट्रॉफी नहीं छोड़ती और कहती है तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आर्यन की ट्रॉफी वो भी नहीं छोड़ती और दोनों ही ट्रॉफी लेकर बाहर भागते हैं, दूर चले जाते हैं और वहाँ पर हवा में उसे उछाल देते हैं। और आर्यन इमली को बचाते नजर आता है, तो वही गुंडे इस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। देखने को मिलता है कि यहाँ पर माधव भी आता है और कहता है कि क्या बात है, आप तो आज तो बहुत ही कमाल कर दिया। पूरा परिवार भी वहाँ पर आ जाता है और इमली और आर्यन का एक्शन देखने को मिलता है। इमली के हाथ में वो सबूत होते हैं जो कि माधव उसे देता है, और वो सबूत है अरविंद की मौत के सच का। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर माधव बताता है कि ये सब कुछ इमली ने अपनी जान पर खेलकर किया है। और इमली वहाँ से जाकर ये सबूत बचाने की कोशिश में होती है, लेकिन उसे गुंडे पकड़ लेते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं और इमली गायब हो जाती है। और माधव कहता है कि इसके पीछे पहले से गुंडे पड़े हैं। और देखने को मिलता है सबको ये बात पता चल जाती है। और यहाँ पर आर्यन उसके पीछा करते नजर आता है, लेकिन इमली को वैन में बिठाकर वो गुंडे अपने साथ ले जाते हैं। और इमली यहाँ पर वो अपने मुँह से हटाकर टेप चिल्लाते नजर आती है और आर्यन को आवाज़ लगाती है। और आर्यन पूरे ट्रैफिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमली की तरफ भागते नजर आता है। वहीं पर बड़ी माँ तो हल्ला मचा देती है कि इमलियाँ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ देखने को मिलता है कि काफी कुछ सुना देती है। वहीं पर आदित्य से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है रूपाली और पुलिस से भी, और सुंदर को भी पता चल जाता है कि इमली को कोई उठा कर ले गए और आर्यन भी उसके पीछे हैं। तो देखने को मिलेगा कि इमली को गुंडे उठा कर ले गए और वहाँ पर पूरन दास से आमना सामना होता है। पूरन दास बंदूक तान देता है इमली पर और अब आर्यन की एंट्री होगी और वो उसे बचाते नजर आएगा। तो देखने को मिलेगा कि फाइनली पूरन दास खुद ही कबूल कर लेगा आर्यन के सामने कि उसी ने उसको अरविंद को मरवाने के लिए सब कुछ जाल बुना था। अब देखते हैं कि इसके बाद में अब आर्यन उसका क्या हाल करता है।